question about what do you mean by economics and all that. Today we are going to study about the introductory part of economics. Okay, as you can see here I have mentioned the definition of economics. So with the help of this word you will need to learn and go further in the process today. It is unlimited. मतलब कि कभी खत्म ही नहीं होती ह्यूमन की वांट्स.
रहा हूँ तेरे को जो खरीदना है या फिर तेरे को इस पैसे का जो कुछ भी यूज करना है वो तो बता। ओके, आपने आप तो खुश होंगे तभी के टाइम, तभी के टाइम आपको लगा कि अरे वाह ये तो पापा का क्या होता है, मम्मी ने आपको चाय अच्छी पिलाई तो पापा ने तेरे को पैसे दे दिए, भाई तो पार्टी का कुछ भी कर नहीं दिया, पार्टी करने बाहर जा सकते हो भी? जी नहीं, पापा तो भाई पापा ने पैसे दे दिए लेकिन आप पार्टी करने इतने सभी लोगों को इकट्ठा करके पहले जैसे आप बाहर नहीं जा सकते। ओके, यू नीड टू टेक सम अदर, मतलब कि आपको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना चाहिए ना, ऑब्वियसली कोई टाइम नहीं है। तो 5,000 रुपए पापा ने दिए, तो आपके पास ऑप्शन कितने बचे? आपके पास 5,000 रुपए यूज करने के लिए कितने ऑप्शन है? आपने सोचा कि चलो भाई मैं पार्टी करता हूँ, मैं पार्टी करूँ, मेरे फ्रेंड्स को बुलाऊ, घर पर इकट्ठा करूँ, चलो ऐसे नहीं वहां होटल का पार्सल करवा लू, कुछ भी करूँ, चलो पार्टी। फिर आपने सोचा कि चलो मेरे को है ना इतने दिनों से शूज लेने हैं, नए मस्त नए निकले तो मेरे को शूज लेने, यू थॉट टू बाय सम शूज। ओके, आपके दिमाग में ये क्या है, आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है, व्हाट इज दिस ह्यूमन बिहेवियर, नफरत है आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है, 5,000 रुपए दिए अब मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूँ? आपने पहले ये सोचा कि आपके पास ये ऑप्शन है, दैट इज पार्टी करनी है या फिर शूज लेने हैं कितने दिनों से, जो मैं शूज नहीं लेता हूँ, या फिर आपको ऐसा लगा कि मेरे को ना अभी कपड़े नहीं है मेरे पास, मेरे को मस्त बढ़िया से कपड़े चाहिए, तो आपने सोचा कि कपड़े के भी है सीजन चल रहा है, मॉनसून सीजन है अभी, नियर बाय भी बहुत सारे सीजन आएंगे तो मेरे को कपड़े भी लेने हैं। सो ये क्या हो गया, ये सारे आपके पास में ऑप्शन आ गए आपके लिए, ये सारे आपके लिए ऑप्शन आ गए, मतलब कि यू आर हैविंग ओनली 5,000 रुपीज इन योर हैंड। क्या वो 5,000 रुपए ये सारी चीजों में यूज हो सकते हैं? जी नहीं, आपको इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक या दो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप जो कुछ भी पहले सिलेक्ट करते हो फिर आपको दूसरा फिर आपको कभी नेगेटिव करना पड़ेगा, यू शुड मूव अवर लाइफ विद इट, यू शुड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज। ओके, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चेंज। तो ये 5,000 रुपए आपके पास है वो आपके लिए क्या हो गए, दैट इज द गिवन रिसोर्सेज फॉर यू गाइस, दैट इज द गिवन रिसोर्सेज फॉर यू गाइस। ये 5,000 रुपए में ही आपको ये पूरा का पूरा, मतलब कि आपको पार्टी करनी है, शूज लेने हैं, कपड़े लेने हैं, करनी है। ओके,
प्राइस बढ़ गई मतलब की सबके डिमांड जो लोग इतने कर रहे थे, जो पैसा दे सकते हैं वो ही अफोर्ड करेंगे, बाकी के लोग अफोर्ड नहीं करेंगे. ओके, सो व्हाट वाज इकोनॉमिक्स? इट इज अ सोशल साइंस. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. ओके, अब गुड्स एंड सर्विसेस इकोनॉमी में क्या होता है? स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, वही स्केर्स रिसोर्सेज के साथ साथ आपको अपने चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव आपको खुद सिलेक्ट करने हैं. ओके, अब समझो ये स्केर्स रिसोर्सेज है मतलब कि यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में कम रिसोर्सेज है, उसका मीनिंग ये होगा कम रिसोर्सेज है. कम रिसोर्सेज के साथ साथ ये क्या हो गया? ये एक हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया. क्या हो गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया कि हमारी कंट्री को ये जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए तो रिसोर्सेज जरूरी मतलब कि उसको बनाना तो पड़ेगा ही. तो ये ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग प्लीज अपनी जो नोट्स मेंटेन करते हो उसमें ये लिख लेना. नाउ व्हाट आई सी यू व्हाट यू हैव टू लर्न इज अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रिसोर्सेस क्यों आते हैं? दैट इज उनकी उन सबकी डिमांड हाई होती है, लेकिन इतना रिसोर्सेस हमारे पास नहीं होता कि हम सबकी डिमांड को फुलफिल कर सके. हम सबकी डिमांड को फुलफिल कर सके. सो नाउ वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज. अब वो डिनर करने के बाद आपको भाई कुछ
further